मेंटल कंडीशनिंग, घबराहट के दौरे और ओवर थिंकिंग, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब क्या है, हमारा ब्रेन जो है ना एकदम फटाक से कंडीशनिंग हो जाता है कोई भी चीज को। बहुत ज़्यादा इमोशनल यदि बात हो गई तो उसका कंडीशनिंग हो जाता है। एक पेशेंट हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ वीडियो कॉल्स होते रहते हैं, ऑडियो कॉल्स कम करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो एक युवक ने, 25 साल का युवक, उसने मुझे फ़ोन करके मेरी अपॉइंटमेंट लिया और फिर बताया कि एक साल पहले उसके अंकल की डेथ हो गई सडनली। अंकल 50 साल की उम्र के, बातचीत किया, साथ में रहते थे, बातचीत किया, ब्रश वगैरह किया, साथ में चाय पिया और चाय पीते पीते वहीं लुढ़क गए और वहीं खलास हो गए। वो उसने सामने देखा और इतना उसको मतलब तब से डर बैठ गया कि अभी तो मतलब उनको फटाक से उठाया, चिल्लाया, लोग उनको डॉक्टर की तरफ लेके गए, डॉक्टर बोले तो खलास हो गया भाई इसी जगह पे ही। तब से उसको दिमाग में एकदम लोड बैठ गया, स्ट्रेस बैठ गया। अभी वो कहीं भी सुनता है कि कोई किसकी डेथ हो गई, कोरोना से डेथ हो गई, रोज इतने मृत्यु, पेपर पढ़ता है तो उसका उसकी जान इतनी घबराती है, धड़ 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 चालू हो जाता है और उसको लगता है कि अभी अपन मर जाएंगे। हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, एकदम नमनेस आता है, सीने में गड़बड़, नमनेस, हार्ट बीट बढ़ना, बहुत ज़्यादा सोचना, डर लगना कि अपन मरेंगे क्या, और ऐसे इसमें फिर उसको लगता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊँगा। मतलब एक ही बार डेथ हो गया, देखो एक ही बार ऐसा हो गया कि उसने डेथ देखा सामने और वहाँ से उसका कंडीशनिंग हो गया और कंडीशनिंग होके अब दिमाग में इतना फिट हो गया कि अभी कोई भी डेथ की इन्फॉर्मेशन आ गई तो फटाक से तकलीफ, कोई भी डेथ की इन्फॉर्मेशन आ गई तो तकलीफ, मतलब सुन भी लिया तभी तक, क्योंकि वो सब ब्रेन इतना वो कंडीशनिंग हुआ कि अभी उसको जैसा वो पूरा याद आ जाता है। अंकल का सुन लिया तो उसको पूरा याद आता, तो उस समय जो घबराहट हो गई थी, उस समय जो बेचैनी, नमनेस, चेस्ट पेन, मतलब सब पूरा उसको वैसे के वैसे आता है। अब इसका इलाज कैसे करना, इसका इलाज बेस्ट हिप्नोथेरेपी से होता है। हम डी कंडीशनिंग करते हैं और डी कंडीशनिंग करके उसको ऐसा विजुअलाइज करना बार 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 बार, और विजुअलाइज करने लगाते हैं और रिलैक्स करने लगाते हैं, विजुअलाइज करने लगाते हैं और रिलैक्स करने लगाते हैं ताकि वो डी कंडीशनिंग हो जाएगा। साइकोथेरेपी करते हैं, हिप्नोथेरेपी करके उसका इलाज करते हैं और कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ हम लोगों को भर्ती करते हैं, वो ज़्यादा वायलेंट है तो उसको भर्ती कर लेते हैं। गांजा, ड्रग, शराब का एडिक्ट, शराब की लत है, मंदबुद्धि के लोग है, वृद्ध लोग है और मारपीट करने वाले पेशेंट है, तो उनको भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। रिश्तेदारों के अलावा मतलब अकेले भी पेशेंट को रखते हैं, उनका इलाज करते हैं। और आप भी ऐसे पेशेंट को हम घर से भी ला सकते हैं, भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कॉल्स करके आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।